हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंटा शॉट्स। मैं हूं एलजी स्नो और आज की वीडियो में हम बीएमओसी द ग्राइंड फाइनल्स के डे वन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। सो डे वन में टोटल 6 मैचेस खेले गए ऑन द मैप्स इरांगुल, मीरामार एंड सैनहॉक। पहला मैच इरांगुल में खेला गया और मैच की शुरुआत में हमें गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और टीएसएम के बीच एक इंटेंस फाइट देखने मिली, जिसके अंत में गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने टीएसएम को एलिमिनेट किया। हालांकि टीम सोल और गॉडलाइक के फाइट में टीम सोल गॉडलाइक पे भारी पड़े और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। मैच के अंत में टीम एक्सो और ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स आपस में भिड़े और टीम एक्सो ने ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करके चिकन डिनर अपने नाम किया। 9 फिनिश पॉइंट्स और 24 टोटल पॉइंट्स के साथ टीम एक्सो पॉइंट स्टैंडिंग्स में भी फर्स्ट थे। सोल गॉब्लिन ये मैच के एमवीपी बने। दूसरा मैच मीरामार में खेला गया और ये मैच में निग्मा गैलेक्सी के एमजे ने नेट से गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया। ये मैच में हमें टीम सोल के द्वारा एक बेहतरीन पुश देखने को मिला, जहां हमें टीम सोल और एनटीटी गेमिंग के बीच में एक अच्छी फाइट देखने मिली, जिसमें टीम सोल ने एनटीटी गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया। मैच के अंत में ग्लोबल ईस्पोर्ट्स और स्काईलाइट्स गेमिंग की फाइट में स्काईलाइट्स गेमिंग ने बाजी मारी और चिकन डिनर अपने नाम किया। मैच जीतने के बावजूद स्काईलाइट्स गेमिंग ने पॉइंट स्टैंडिंग्स में सेकंड फिनिश किया एंड 12 फिनिश पॉइंट्स एंड 24 टोटल पॉइंट्स के साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने पॉइंट स्टैंडिंग स्टॉप किया। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के जोकर ये मैच के एमवीपी रहे। तीसरा मैच सैनहॉक में खेला गया और एक शानदार पारी के चलते ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने टीम एक्सपर्ट और टीम सोल को एलिमिनेट किया। मैच के अंत में गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने चिकन डिनर अपने नाम किया और 8 फिनिश पॉइंट्स और 23 टोटल पॉइंट्स के साथ पॉइंट स्टैंडिंग्स में भी फर्स्ट पेयर है। टीम सोल के ओमेगा ये मैच के एमवीपी थे। चौथा मैच इरांगुल में खेला गया और ये मैच में हमें क्विक क्लच देखने मिला टीम एक्सपर के द्वारा, जहां उन्होंने हैदराबाद हाइड्रास को विद इन सेकेंड्स एलिमिनेट कर दिया। मैच के अंत में टीम सोल ने बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले का प्रदर्शन किया और ओआर ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया एंड चिकन डिनर भी अपने नाम किया। 9 फिनिश पॉइंट्स और 24 टोटल पॉइंट्स के साथ टीम सोल पॉइंट स्टैंडिंग्स में फर्स्ट रहे। ओरंगुटान के एश ये मैच के एमवीपी थे। पांचवा मैच मीरामार में खेला गया और ये मैच में ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स के एके ओपी ने सबको चौंका दिया विद अ 1v4 क्लच अगेंस्ट टीम सोल। मैच के अंत में ओरंगुटान ने आर ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया एंड विद अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस चिकन डिनर अपने नाम किया। 18 फिनिश पॉइंट्स और 33 टोटल पॉइंट्स के साथ ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स ये मैच के पॉइंट स्टैंडिंग्स में फर्स्ट थे। ओरंगुटान के एके ओपी ये मैच के एमवीपी बने। आखिरी मैच इरांगुल में खेला गया और ये मैच की शुरुआत में गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने काफी अच्छे गेम प्ले का प्रदर्शन किया विद सम वेरी इंप्रेसिव स्प्रेस। ये मैच में क्लच गॉड ने काफी स्मार्ट गेम खेला, जहां उन्होंने अपने टीममेट को एलिमिनेट होने से बचाया एंड एट द सेम टाइम एलिमिनेशंस भी निकाले। मैच के अंत में ओरंगुटान ने आसानी से चिकन डिनर अपने नाम किया। 14 फिनिश पॉइंट्स और 29 टोटल पॉइंट्स के साथ ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स फर्स्ट पोजीशन में दिखे और ओरंगुटान ईस्पोर्ट्स के एके ओपी ये मैच के एमवीपी बने। डे वन के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में बात करें तो एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद 101 टोटल पॉइंट्स के साथ ओरंगुटान नंबर 1 पोजीशन पे रहे। टीम सोल नंबर 2 पोजीशन में रहे विद 79 टोटल पॉइंट्स। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वे थर्ड विद 69 टोटल पॉइंट्स। टीम एक्सो ने फोर्थ फिनिश किया विद 57 टोटल पॉइंट्स। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने फिफ्थ फिनिश किया विद 55 टोटल पॉइंट्स। स्काईलाइट्स गेमिंग, आर ईस्पोर्ट्स, निग्मा गैलेक्सी ने फिनिश किया 6th, 7th और 8th with 44, 41 and 40 total points respectively. 9th position पे रहे Kemin Esports with 37 total points. 10th finish किया OR Esports ने with 36 total points. Team Xpark were 11th with 34 total points. 12th position पे रहे Hyderabad Hydras with 33 total points. And 13th पे रहे Team Insane Esports with 29 total points. TSM, NTT Gaming और Team Mayhem ने finish किया 14th, 15th and 16th with 27, 18 and 18 points respectively. और इसी के साथ डे वन खत्म हुआ। अभी देखते हैं डे टू में क्या होता है। हम आपको डेली अपडेट्स देते रहेंगे। आप देख सकते हैं ऑल द मैचेस लाइव बैलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। मैं आपको मिलूंगा अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, स्टे फैंटास्टिक।